साथी कल्कि द वॉयस दिशा पायल राव साहब। मैं अगर बात करती हूँ तो मैं शुरुआत करूँगी, क्योंकि कन्फ्रंटिंग की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले इस बात को करूँगी कि मैं हिचड़ा नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ। बिस्तर की आज़ादी को सलाम। मैं इस डिस्कशन को थोड़ी सी अपनी पोइट्री से ये करना चाहूँगी शुरुआत। बिस्तर की आज़ादी को सलाम। बिस्तर की आज़ादी मंचों पे जो जगह बनाई, लैंगिकता की आज़ादी पीछे रखकर तूने जो मंचों पर जगह बनाई, यह राष्ट्र संस्कृतियों का लैंगिकता की आज़ादी को परे रख, संस्कृतियों के मूल्य पीछे ना रख। लैंगिकता 68 हो पीछे कड़ी है, यौनिकता 55 होकर आगे खड़ी है। यह मंच सजा है बिस्तर की आजादी का, यह मंच नहीं सजा लैंगिकता की आजादी का। बिस्तर की आजादी बिस्तर में रहे तो किसे खैर है, सॉरी, लैंगिकता की आजादी बिना छुपाए चहुओ पैर है। दे दो मुझे मेरी लैंगिकता की आजादी, बिस्तर की गौरव बना लूंगी। बिस्तर की आजादी से बैर नहीं, लैंगिकता की आजादी जोरोगे उसकी खैर नहीं। तू लैंगिकता की आजादी दे, मंच की सज्जा खिलखिला जाएगी। एक जीवन आजाद है जो मेरी लैंगिकता आजाद है, गौरव है मेरी आजादी का जिसे लोग दूर से ही आंखों में समा लेते हैं। मैं किन्नर हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। न्याय तो जब हम सिर्फ सिसजेंडर की बात कहते हैं तो हम सिर्फ एक ही धारा से देखते हैं। मैं माननीय बंदोपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि जो उन्होंने कलकत्ता से पहली प्यार को हस्तिनापुर से और आज शिमला तक पहुँचने जो सहयोग किया है, दैट्स आवर प्रेसिडेंट कि हम ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन एंड अदर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज को लेकर के जो भी डिस्कोर्स होता है उसको एक मंच प्रदान किया जो साहित्य के अवसर में परिवर्तित हुआ है। क्योंकि नमनी कल्चर पर बहुत सी डिस्कोर्स हुए हैं इंडिया में, 200 मीटिंग्स हुई, लेकिन इस इतिहास को समझने की जरूरत है कि कहाँ कैसे और किस तरीके से न्याय नहीं हुआ है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज साथी 25-25, 50-50, 100-100 किताबें लिख देते हैं, लेकिन वो क्या हमारे जेंडर माइनॉरिटीज के लिए क्या न्याय कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मेरे बारे में भी पूछी जाती कि तुमने खानों में पिंच नहीं कराया, हाउ यू फील दैट वुमन एंड आई एम अ वुमन आई प्राउडली फील, कि ये हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबा है। मतलब माइथोलॉजिकल वे में भी देखे कि जहाँ पे डिवोटीज बोले जाते हैं कि आप इस तरीके से कि यक्ष किन्नर गंधर्व की बात होती है, तो जो राइटिंग्स है यक्ष पुराण किन्नर पुराण, बट वेर इज द किन्नर पुराण, क्योंकि किन्नर जो शब्द है उसको सिर्फ व्यवसायगत तरीके से आइडेंटिफाई किया, जबकि किन्नर का मतलब होता है किंतु नर, और ये हिमाचल की धरती है और यहाँ पे बहुत से डिस्कोर्स इस वर्ड को लेकर के हुए कि दिस वर्ड इज माइन एंड दिस वर्ड इज डिफरेंट पर्सन नॉट टू टेक, कि उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो 5000 साल थे उसमें क्या लिखा गया ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, जब वो राजा रहते थे उन्होंने अपनी सेनाओं में अपनी जगहों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रखा और उन्हें जगह दी थी। और जब सूफी परंपरा आती है तो लोग हिजड़ा हो जाते हैं, वो किन्नर नहीं रह जाते और वहाँ से
बहुत सी विवादित बातें भी होती हैं, जैसे धर्म परिवर्तन, बंध्याकरण और भी चीजें जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुगल ने हमारा ट्रांस के साथ में बहुत न्याय किया।